देवरिया से ब्यूरो चीफ आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने गुलीकुंड खुर्द ग्राम का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ग्राम समाधान दिवस के क्रियान्वयन को देखने विकास खंड पत्रदेवा के ग्राम पंचायत गुलीकुंड खुर्द पहुँचे। अधिकारी द्वय ने वहां उपस्थित लोगों को योजना से संबंधित जानकारी दी और लोगों से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिव आशुतोष मिश्रा, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग, खंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी बघौच घाट, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व जन सेवा केंद्र के कर्मचारी मौजूद रहे। शासन जनता के द्वार पे आए हैं, समस्याओं का जो शासन की सेवाएं हैं उनके डोर स्टेप पे ही उसको इसी के क्रम में आज पूरे जनपद में 107 ग्राम पंचायत ऐसे ग्राम समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें जो राजस्व पुलिस विभाग ग्राम विकास पंचायती राज डिपार्टमेंट के जो हमारे ग्राम यहाँ पे रहेंगे 11 बजे से 4 बजे साथ में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में जोड़ा गया है। यहीं पे जो समस्याएं आएंगी निरीक्षण करके अभिलेखी परीक्षण कराया जाएगा। जो भी राजकीय सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन करवाने हैं उनको भी आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा और अगर कोई एक मिसलेनियस भी कोई इशू आते हैं उसको भी हम लोग उसका आवेदन ले करके उसको संबंधित विभाग को फॉलो करेंगे। आज काजी जो हमारा ग्राम पंचायत है सदर ब्लॉक में उसमें मैं और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं और यहाँ पे काफ़ी उत्साह है लोगों में। ग्राम पंचायत का भी पूरा सहयोग से मिला है और अच्छी भीड़ है और लोग अपने इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसकी प्रेरणा आपको क्या सांस मिली और इसका क्या रिजल्ट आ रहा है जनता के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश रहते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों की समस्याओं का निदान उनके गांव में ही संभव हो पाए। उसी सोच और जो है उसको हम लोगों ने ग्राम समाधान दिवस जिसका मूल मंत्र है प्रशासन जनता के द्वार, उस सोच को हम लोगों ने एक क्रियान्वयन करा है और आज प्रथम चरण में पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों में जो कुल मिला के 107 ग्राम पंचायत में होती है वहाँ ग्राम समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है। इनकी इन समाधान दिवसों का जो उद्देश्य है वो चार है। पहला उद्देश्य ये है कि जो राजकीय सेवाएं हैं जैसे आय जाति निवास प्रमाण पत्र हुआ, पुलिस विभाग की तरफ से जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होते हैं, बंदूक के लाइसेंस के आवेदन होते हैं और इसी तरह पेंशन के जो आवेदन भरे जाते हैं, इस तरह की तमाम राजकीय सेवाओं को लोगों को उनके डोर स्टेप पे ही गांव पे ही उपलब्ध कराना। दूसरी इसमें बात यह है कि जो गांव में अक्सर लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट लैंड के और गवर्नमेंट लैंड के भूमि विवाद होते हैं, जिसमें राजस्व पुलिस और ग्राम विकास और पंचायती राज की अगर तीनों का समन्वित प्रयास होता है तो उनका बातचीत से सुलह समझौते से मौके पर ही निस्तारण संभव है। तीसरा उद्देश्य यह है कि अगर गांव में हमारे अधिकारी आते हैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी प्रगति भी बढ़ती है और इस तरह की लोगों की शिकायतें भी होती हैं कि ग्राम स्तरीय अधिकारी गाँव में नहीं आते। चौथी चीज़ है गाँव में जब ग्राम स्तरीय हमारे कर्मचारी आते हैं तो बहुत सारी ऐसी हमें सूचनाएँ मिलती हैं जिनकी वजह से हम लोग अपना एक्शन ले पाते हैं और गाँव में शांति व्यवस्था बनी रहती है, अपराध नियंत्रण हो सकता है। तो ये चार मूल उद्देश्यों जो संज्ञान में लेते हुए व्यवस्था बनाई गई है और इस प्रांत में विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं और इनके साथ हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर को भी जोड़ा है जो एप्लीकेशन को यहीं पर ही फॉरवर्ड कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे। 11 बजे से शाम के 5 बजे तक ये कैंप आयोजन रहेगा और इसका जो फॉलोअप कैंप रहेगा वो एक नियमित अंतराल के बाद होगा। जो आवेदन आए हैं उनके आवेदनों के निदान करा करके अगले कैंपों में उनका वितरण भी सर्टिफिकेट का उपयोग करा देंगे। यही पूरी परिकल्पना है और हम लोगों का प्लान ये किया है कि 2 महीने में 1185 हमारी ग्राम पंचायतों को चलने में है, एक बार सबका हमारा कैंप समय लगा। पुलिस क्या भूमिका निभाएगी? प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। पूरे जनपद में 160 स्थानों पर प्रत्येक ब्लॉक में 10 ग्रामों के हिसाब से आज किया गया है, जिसमें
हमारी पुलिस और राजस्व संबंधित जो समस्याएं हुई, पुलिस अधिकारी, राजस्व के अधिकारी वहाँ उपस्थित हैं, ग्राम पंचायत के अधिकारी वहाँ उपस्थित हैं, ग्राम विकास के अधिकारी उपस्थित हैं। अगर गांव में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान मौके पर, मौके को देख करके जो अपेक्षित होता है उसका स्थायी समाधान कर सकने में ये थाना, ये जो ग्राम समाधान दिवस है, ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। साथ ही जन सुविधाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी कई बार जनता में क्षोभ होता है, कई बार उस पर आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो भी जो परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं का वहीं फील्ड में निर्धारण करें, माननीय मुख्यमंत्री की उसी सोच के क्रम में आज यहाँ ये आयोजन किया गया है और इस तरह का आयोजन पूरे जनपद में 107 अन्य स्थानों पर।